वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिस्योर एम टैबलेट के बारे में। फर्टिस्योर एम टैबलेट की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपके शुक्राणुओं में कमी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, वीर्य का पतलापन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्टिस्योर एम टैबलेट एक फर्टिलिटी नेचुरल सप्लीमेंट है, जिसमें कॉम्बिनेशन है एस्टाक, सेंथिन 4 mg, कोएंजाइम Q10 100 mg, जिंक 12 mg, एल कार्निटाइन 340 mg, लाइकोपिन 2.5 mg होता है। और इस टैबलेट को सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट के उपयोग के बारे में। इस टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से मेल इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके शुक्राणुओं की मात्रा और गतिशीलता को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, जैसे कि शुक्राणुओं में कमी, पोषक तत्वों की कमी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, वीर्य का पतलापन, शारीरिक कमजोरी जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी, शुक्राणुओं में कमी जैसी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, दस्त जैसी कुछ नॉर्मल समस्याएं आपको नज़र आ सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर ये समस्याएं ठीक ना हो तो इसे यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। इस टैबलेट की डोज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकता है। आइए आप जान लेते हैं इस टैबलेट की MRP के बारे में। इस टैबलेट की MRP है 10 टैबलेट आपको 323 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको फर्टिस्योर एम टैबलेट की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।